नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना सिटी में। दोस्तों, सभी रेल यात्रियों के लिए अभी अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सामान्य रूप से कब से शुरू करेगा, इसको लेकर रेलवे मंत्रालय के तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि भारतीय रेलवे सभी ट्रेनों का संचालन कब से शुरू करेगा। सभी रेल यात्रियों के मन में एक ही सवाल इस समय आ रहा होगा कि कोविड-19 से पहले जितने भी लोकल पैसेंजर, मेल एक्सप्रेस, रेगुलर नियमित ट्रेनें चला करती थी, वो ट्रेनें आखिर कब से चलेंगी। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको इसी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे ने कर दिया बड़ा ऐलान, इस तारीख से चलने लगेंगी सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनें। आपको बता दें, वर्तमान में रेलवे 66% ट्रेनों को स्पेशल बनाकर चला रही है। स्पेशल ट्रेनों में किराया थोड़ा ज़्यादा है। फिलहाल 77% मेल एक्सप्रेस, 91% उपनगरीय, सब अर्बन और 20% पैसेंजर ट्रेनों का संचालन इस समय किया जा रहा है। कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे 1768 मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों का संचालन किया करता था, जबकि अभी 1353 ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसी तरह पहले 3634 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन होता था, जबकि अभी 740 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है। पहले रोजाना 5881 उपनगरीय सब अर्बन ट्रेनों का संचालन होता था, जबकि अभी 5381 ट्रेनों की वापसी हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, 5 अप्रैल 2021 से भारतीय रेलवे 71 और बिना रिजर्वेशन वाली लोकल पैसेंजर ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसके अलावा 10 अप्रैल 2021 से करीब 90% नई स्पेशल लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। भारतीय रेलवे ने 10 मंडलों को आदेश दे दिया है कि आप लोग अपने सभी ट्रेनों का रैक तैयार रखिए, क्योंकि 10 अप्रैल से 90% ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। सभी मंडलों को ये प्रस्ताव रेल मंत्रालय के द्वारा दे दिया गया है कि 10 अप्रैल 2021 से 90% ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा कोरोना के कारण बंद हुई सभी ट्रेनें फिर से पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। सभी ट्रेनों के चलने से लंबे समय से परेशान यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेल मंडलों ने 10 सामान्य ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भेज दिया है, जिसमें कुछ ट्रेनों को शामिल किया गया है। वहीं पर रेलवे के अनुसार अगले 2 महीनों में अपनी पूरी क्षमता के साथ सभी ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव सभी रेल मंडलों को भेज दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई 2021 से भारतीय रेलवे सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 10 अप्रैल 2021 से 10 मंडलों को प्रस्ताव भेज दिया गया है कि 10 अप्रैल से 90% ट्रेनों को चलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बची हुई 10% ट्रेनों का संचालन 2 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे ने जिन ट्रेनों का प्रस्ताव भेजा है, उन ट्रेनों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। रांची अजमेर गरीब रथ नवाज एक्सप्रेस, हटिया आनंद विहार, रांची मंडुआईडी, रांची हावड़ा, हटिया पटना, हटिया आनंद विहार, रांची आनंद विहार, हटिया बेंगलुरु कैंट, हटिया एर्नाकुलम, हटिया सासाराम, इन सभी ट्रेनों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सभी रेल यात्रियों को थोड़ा और वेट करना होगा, 1 जुलाई 2021 से सभी ट्रेनें चलने लगेंगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।